तो दोस्तों, जो मूंगफली है खाने में क्रंची है, कुरकुरी है, करारी है। आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। खासकर नवरात्रि आने वाली है, आप इस रेसिपी को नवरात्रि में जरूर बनाना। बहुत ही टेस्टी लगती है और लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता किचन में। कहो कैसे हो आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस चलाकर हमने यहाँ पे पैन को रख दिया है। पैन या कढ़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं। अब पैन को गर्म करना है। पैन गर्म हो गई है। गर्म पैन में 1 कप भर के मूंगफली के दाने को डाल देंगे। ये जो मूंगफली के दाने हैं ना, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिएगा। गैस को धीमा कर देते हैं और धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए बिना घी बिना तेल के हमें मूंगफली के दाने को 6 से 7 मिनट के लिए या फिर 8 मिनट के लिए हमें भून लेना है, रोस्ट करना है। बस गैस को तेज नहीं रखना है और लगातार चलाते रहना है। बस मूंगफली को इतना भूनिए कि मूंगफली हमारी भून जाए और कच्ची ना रहे। तो पूरे 6 मिनट के लिए हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने को भून लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूंगफली काफी गर्म है तो सावधानी से इस तरीके से मूंगफली के दाने को हाथ में लेकर छिलका छुड़ा कर देख लेंगे। अगर छिलका निकल जा रही है आसानी से, यानी समझ जाइए मूंगफली हमारी भून चुकी है। अब हम मूंगफली को, भुने हुए मूंगफली को दूसरे बर्तन निकाल लेंगे और पैन को कपड़े से साफ कर लेंगे। फिर हमने गैस पे दोबारा पैन को रख दिया। गैस को हमने धीमा ही रखा है और 1 कप लेंगे चीनी। 1 कप मूंगफली के दाने थे, 1 ही कप यहाँ पे हम चीनी लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है ना, जितना मूंगफली है उसी के बराबर हमें यहाँ पे चीनी को लेना है। चीनी को पूरे पैन में फैला देंगे। इसके बाद जो हमने मूंगफली को भून कर तैयार किया था, मूंगफली को भी डाल देंगे और चीनी के साथ मिला देंगे। और गैस को हमें थोड़ी देर के लिए धीमा ही रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे पानी। अब पानी हमें सिर्फ 5 से 6 चम्मच ही पानी लेना है। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। थोड़ा सा बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए 1 से 2 चुटकी इलायची का पाउडर डाल देना है। आप चाहे तो सोंठ का भी पाउडर डाल सकते हैं। अगर सोंठ खाते हैं ना तो सोंठ का भी पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप व्रत में नमक खाना पसंद करते हैं ना, आप थोड़ा सा चुटकी भर व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे नमक का यूज नहीं किया है, क्योंकि आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। कोई कोई व्रत में ना नमक नहीं खाते हैं, इसलिए हमने नमक नहीं डाला है। अगर नमक खाते हैं आप डाल सकते हैं। गैस को लो टू मीडियम कर दिया है और लगातार चलाते हुए हमें चीनी को मेल्ट करना है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी, मूंगफली के ऊपर चीनी की एक पतली सी लेयर आ जाएगी, एक पतली सी कोटिंग आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है चीनी मेल्ट नहीं हो रही है, आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी के छींटे यानी 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा पानी डालेंगे बाद में तो मूंगफली हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 7 से 8 मिनट लग गए हैं मूंगफली चीनी को मिलाने में। आप देख सकते हैं चीनी मूंगफली के ऊपर चीनी की एक पतली सी लेयर आ गई है, कोटिंग आ गई है। लेकिन जैसे जैसे ठंडी होगी ना, करारी लगेगी, क्रंची लगेगी और बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम ड्राई। यहाँ पे आप इस तरीके से मूंगफली की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे क्या नाम दोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। हमारे यहाँ इसे बहुत ही पसंद करते हैं। हम लोग इसे मूंगफली की मीठी नमकीन बोलते हैं। खाने में क्रंची है, करारी है और कुरकुरी है। जैसे जैसे ठंडी होती है ना, और भी करारी लगती है खाने में। बस कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। जब चीनी मेल्ट होना तो गैस को धीमा रखना है। गैस को तेज रखेंगे तो चीनी का टेस्ट है, चीनी जल जाएगी और चीनी का टेस्ट। और इसे बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, किसी भी व्रत में खा सकते हैं। खासकर नवरात्रि आ रहे हैं, आप इसे नवरात्रि में जरूर बनाना, बहुत ही बढ़िया लगती है। और आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं, छोटी मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट। चीनी की आपको एकदम हल्की सी मिठास मिलेगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।